रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक सतरंगी फिर चैनल सरगोदा। और मैं हूं आपकी दोस्त मीना तारिक। कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली और मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, प्यारे प्यारे बहन भाई। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। तो चलें जी, बहुत ही मज़े की, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है और बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है। आप हाईटी पर बनाएं या बहुत ही वीआईपी गेस्ट आने पर बनाएं या अपने लिए बनाएं। और आज हम बनाएंगे चिकन ड्रम स्टिक्स और ये बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है। ये मैंने 150 ग्राम चिकन ले लिया है, इसका कीमा बनवा लिया है और जिसके साथ मेरे पास हैं चॉप्ड प्याज हैं, ये धनिया है, सब्ज़ धनिया 2 चम्मच भर के, और ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें 1 चम्मच, और जिसके साथ हैं स्पाइसेस, लाल मिर्च का पाउडर है, नमक है, काली मिर्च है, और साथ में है मीठा सोडा, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। तो ये है मेरे पास मैदा और ये है कॉर्नफ्लावर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। प्याज चॉप रखने हैं हमने, और जी ये देखें मैंने तकरीबन 2 चम्मच भर के डाल दिया है, और जी ये देखें सब्ज़ मिर्च, ये भी मेरे पास 1 चम्मच भर के थी, सारी ही डाल देती हूँ। सब्ज़ धनिया, सब्ज़ धनिया आपका दिल चाहता है डालें, अगर नहीं दिल चाहता तो मत डालें, लेकिन अगर डालते हैं तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और ये हैं जी स्पाइसेस, सारे के सारे मैंने डाल दिए। और जी अब है ये मेरे पास मैदा, क्योंकि मैदा जो है हमारे फिंगर लगाने से, इसे टच करने से महसूस होता है कॉर्नफ्लावर और मैदा, और ये फिसलता है और मैदा जो है नहीं फिसलता। ये हम बाइंडिंग के लिए यूज़ करेंगे, 2, 3 और 4। ये मैं लूँगी 3 चम्मच, 1, 2 और 3। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम लेंगे, और वरना इसी में हम सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। चलें जी, इनको तो मैंने बहुत ही अच्छा, देख सकते हैं मैंने मिक्स किया है, पर अब बारी आ गई है दूसरी चीज़ों की। ये है मेरे पास सोया सॉस तकरीबन 1 चम्मच, और ये है मेरे पास चिली सॉस, ये भी 1 चम्मच भर के, और ये रहा जी सिरका, ये भी मैंने तकरीबन 1 चम्मच भर के डाल दिया। बस अब इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छा हमने मिक्स करना है। बहुत ही प्यारी खुशबू भी आने लग गई है और टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब बनता है इसका। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बस बहुत ज़्यादा है, हमारा बैटर लूज़ नहीं होना चाहिए। हम पानी के साथ इसके ये जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं उसके ऊपर हम लगाएंगे, और जो हमने इसके अंदर मीठा सोडा डाला है उसका काम ये है कि ये जब हम फ्राई करेंगे तो उसमें हमारी ड्रम स्टिक बहुत ही प्यारी फूलेंगी, सॉफ्ट होंगी। ये देखें ज़बरदस्त हो गया, और अब मैं इसको रखूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, स्टे दो हैं बल्कि ज़्यादा हो गए होंगे। पानी लगा लिया है मैंने हाथों पे, देखें बिल्कुल भी 1% भी इसने पानी नहीं निकाला। ये देखें ये बैटर, ये आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा बड़ा छोटा कर सकते हैं। और ये पड़ी हैं मेरे पास स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स हैं, ये देखें इसको मैंने दरमियान में रख दिया। क्योंकि ये बेकरी में काफ़ी कॉस्टली मिलती है और बहुत ही कम पैसों में हम बहुत ज़बरदस्त ड्रम स्टिक्स घर में बना सकते हैं, जो कि सबको बहुत ही पसंद होती है और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑयल मैंने रखा हुआ है बहुत ही मीडियम पे, बहुत ही बस तेल गर्म है, बिल्कुल जिस तरह हम चावल पकाते हैं तो हम दम लगाते हैं इसको, बिल्कुल उसी आँच पर। और देखते हैं, देखें अब मैंने इसको कर लिया है रेडी, और ये देखें, ये देख सकते हैं आप, आपको पता चल गया होगा कि ऑयल कितना गर्म है।
बस इसी आंच पे मैंने बनाते जाना है और रखते जाना है। बस थोड़ा सा इस तरह करना ज़रूरी होता है कि हमारा बैटर खुले नहीं। इसका मैं नमक मैंने थोड़ा सा चख चुकी हूँ, थोड़ा सा बैटर डाल के मैंने चख लिया है, बहुत ही मज़े की बनी है। ये देखें जैसे ही अंदर जाएंगी, ये देखें यही साइज़ था और ये देख थोड़ा थोड़ा फूलना शुरू हो गई है। पहले जब मिलती थी, शायद अभी मिलती होंगी, लेकिन अब ज़्यादातर ये स्टिक यूज़ होती है बेकरियों में भी। पहले इसके अंदर चिकन ड्रम स्टिक की स्टिक लगाई जाती थी और वो पता नहीं कब कब की जमा कर लेते हैं, फिर वो स्टिक्स यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल भी उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता था। अब लोगों ने ज़्यादातर ये स्टिक्स लेना शुरू कर दिए। देखें नीचे बैठती जा रही हैं और जैसे ही देखें ऊपर ये घूमना शुरू हो गया। आँच देखें आप कितनी कम है, बिल्कुल इसी तरह आँच है जैसे चावल का दम लगाते हैं, वो वाली आँच है इसकी। इसी तरह मैं सारी बना ली हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी व्यूअर्स, जैसे ही मैं इनको डाल रही थी बिल्कुल ही नीचे बैठ रही थी और जब ये पकना शुरू होती हैं तो फिर ऊपर तैरना शुरू हो जाती हैं। और ये रेसिपी ख़ास मदीहा के लिए, मदीहा उमर के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत देर से मुझसे रिक्वेस्ट की थी तो आज उनकी फरमाइश पूरी हो गई है। देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं और कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं ये फूल के। ये देखें जो मैंने साइज़ रखा था मेरे पास, ये देखें ये है इसका कच्चा साइज़ और ये है पकने वाला। ये देखें बस मैंने इनको बहुत ही स्लो पे पकाना है क्योंकि इसके अंदर मैदा भी है और कॉर्नफ्लोर है, तो इसे बहुत स्लो हमने पकाना है ताकि अंदर तक पके। ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये बहुत ही स्लो पक रही हैं। अभी मैंने इनको नहीं निकाला क्योंकि अभी तक इनका ये वाला कलर आया, एक एक साइड अभी इनकी थोड़ी पकने वाली है और इनको मैं वक्फे वक्फे से उलट पलट कर रही हूँ। ये देखें क्योंकि ये काफ़ी डार्क ब्राउन होती हैं इसलिए मुझे इन्हें अच्छी तरह पकाना है ताकि अंदर तक पक सकें, बिल्कुल भी कच्ची ना रहें। देखिए जी ज़बरदस्त हो गया है इनका कलर, बहुत ज़बरदस्त पक चुकी हैं। इन्हें पकते हुए भी कम से कम 20 मिनट से शायद ज़्यादा ही हो गए हों, और क्योंकि इनको बस अंदर तक पकना चाहिए, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी इनको पकाने में। ये देखें ये देखें मेरी ये बाकी हैं, अभी इनको भी मैं बनाऊंगी, इसी तरह रखूंगी इनको भी। बहुत ही स्लो फ्लेम है, आप देख सकते हैं कि जिस तरह हम चावलों को दम देते हैं बिल्कुल उसी आंच पर रखना है। अगर हम ज़्यादा आंच तेज़ करेंगे तो ये फ़ौरन से ऊपर से ब्लैक हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और जो ओरिजिनल होती हैं जिनका कलर देखें बहुत ही ज़बरदस्त जगह की ये रेसिपी है और बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं दूसरी बना रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी दूसरा जो चक्कर मैंने डाला था ड्रमस्टिक्स का, वो भी रेडी हो गई हैं और पूरा आधा घंटा लगा है इनको भी, और जो मैंने पहले निकाली थी उनको भी आधा घंटा लगा था।
क्योंकि मैंने टाइम नहीं देखा था और मेरे बेटे अली ने देखा था। उसने कहा कि मामा आपने 20 मिनट बताए हैं लेकिन इनको आधा घंटा लगा है, क्योंकि जितना हम इनको स्लो आंच पर पकाएंगे अंदर तक पकेंगे। ये देखें पहले बहुत ज़्यादा फूल गई थी और अब अपनी असली हालत में आ गई हैं जितनी मैंने रखी थी। तो ये है ड्रम स्टिक्स की फाइनल लुक। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कमर्शियल रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती हैं ये ड्रम स्टिक इस तरीके। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।